वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th का जो फिजिक्स का पेपर होता है वो किस तरह का रहता है। ठीक है, अगर हम फिजिक्स पेपर की बात करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें आपको रहते हैं वो होते हैं 70। ठीक है, टाइम आपका रहता है 3 आवर्स। और इसके अलावा अगर हम सीरीज़ की बात करेंगे, 3 सीरीज़ आपको इसमें होते हैं, सीरीज़ एक्स वाई एंड जेड। सेक्शन आपको 4 होते हैं, सेक्शन ए बी सी एंड डी। तो तीनों सीरीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका अभी फाइनल एग्जामिनेशन चल रहा है 2024 का, और इसके अलावा जो भी कोई स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ रहा है जिनका एग्जामिनेशन मार्च 2025 में होगा, तो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होंगी वो भी आपको मिलती रहे। तो सीरीज़ एक्स की बात अगर हम करेंगे, सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट उठाते रहना इसका। ठीक है, ये होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके बाद सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आप देख सकते हो, तो स्क्रीन शॉट उठाते रहना। ठीक है, सेक्शन सी में आपको इसमें होते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, और सेक्शन डी जो आपका होता है इसमें आपको इंटरनल चॉइस होते हैं, तो इसमें आपको 5 मार्क्स ईच होते हैं। इसके बाद आप फिजिक्स की हम सीरीज जेड देखेंगे, इसमें भी आपको जो सेक्शन ए में होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि सभी सीरीज़ में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सभी सीरीज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होते हैं ये भी डिफरेंट होते हैं तीनों सीरीज़ में। सेक्शन सी आपका इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर होता है तीनों सीरीज़ में, और जो सेक्शन डी होता है ये सिमिलर होता है तीनों सीरीज़ में। ठीक है, तो ये इसमें इंटरनल चॉइस होती है। इसके बाद हम सीरीज़ वाई देखेंगे, इसमें भी आपको पहले एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद फिर सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं तीनों सीरीज़ में। इसके बाद सेक्शन सी में आपको ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, 3 मार्क्स ईच होते हैं इसमें। सेक्शन डी में आपको इंटरनल चॉइस होते हैं, जिसमें आपको ये तीनों सीरीज़ में आपको सेम रहता है। तो इस तरह का ये फिज़िक्स का पेपर रहता है आपको, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।